से स्टार्ट करता हूँ, एक बार देखते हैं कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड तो लोग अभी अगर ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मेरी आवाज आ रही है। हेलो कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का? ये सर जी आप लोगों से पूछा है तो मसला तो नहीं, कल तक क्लियर हो गया था। चले फिर आगे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ऐसे नहीं, बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस। कल तक ये यही बात हुई सर। चले फिर नया पेज निकाला। नेक्स्ट वर्ड घड़ी लिखा है मेन हेड्स ऑफ अ कंपनी, मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप जिंदगी में जितनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में बस 5 मेन हेड्स इन्वॉल्व। सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कितने मेन हेड्स इन्वॉल्व हैं? 5 मेन हेड्स इन्वॉल्व। तो नंबर एक सबसे पहले लिख रहे हैं, बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं जिनको हम एसेट बोलते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, ये हेडिंग्स देखते रहे, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, फिर समझाता हूँ। कल आए थे कुछ लफ्ज लेकिन उनको जरा क्लियर करना आज हम। तो बिजनेसेस के पास कुछ एसेट्स होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट का मतलब होता है रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस डिफाइन करना। लिख लें, लिख लें, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। बिजनेस के वो रिसोर्सेज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट हो गया है, होना है। अगर एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे तो ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। कल वाले इधर एग्जांपल निकाले, कल आठ पॉइंट्स लेकर पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8 तक एसेट्स ढूंढना है। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करें सर। नहीं, 1 से, 1 से सर, 1 से सर, 1 में सर। कैश कैश कैश, क्या बिजनेस में अगर कैश आ जाए तो एसेट है? नंबर 2 में, नंबर 2 में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। वो एक और चीजें भी है, वो भी है आपकी जेब में जो पैसे पड़े हैं, क्या वो आपका एसेट है? तो अगर कैश बिजनेस के पास हो तो बिजनेस का एसेट है, चाहे वो ऑनर से आया हो पॉइंट 1 में दबा जाए, चाहे कैश ओनर से आया हो नंबर 2 में, चाहे कैश लोन लेके आया हो। कैश की बात हो रही, क्या कैश एसेट है? 1 में भी है, 2 में भी है, नंबर 3 में। क्या शॉप एसेट है?
लेकिन इसको इस तरह से शायद बोलना चाहिए, नंबर थ्री को, शॉप वाला एसेट बढ़ गया और कैश वाला कम भी हो गया। एक एसेट आ रहा है कौन सा वाला, और कैश वाला एसेट जा भी रहा है। नंबर फोर, क्या चीज एसेट आ रही है और जो पैसे जा रहे हैं वो भी एसेट है लेकिन वो कम हो। तो यहाँ भी एसेट्स बढ़ के, फर्नीचर इक्विपमेंट वाला के एसेट्स बढ़ के कैश वाला एसेट कम हो रहा है। नंबर फाइव में तो खैर एम्प्लॉइज रखे हैं, नंबर सिक्स में आ रहा मोबाइल एसेट है जो आ रहे हैं और कैश जा रहा है। इस वक्त मोबाइल खरीदे ना सारे एसेट है। अब आए नंबर सेवन, 23 लाख का जो कैश आ रहा है वो एसेट है और 20 लाख के जो मोबाइल आ रहे हैं वो भी एसेट थे, थे, थे। वो थे क्यों हो गए, क्योंकि उनसे फायदा अब ले लिए। अब वो 20 लाख के मोबाइल हमारा एसेट नहीं रहे, लेकिन कितने वाले मोबाइल दिए, कितना कैश लिया, तो इसी में से फिर हमने फाइंड आउट ही किया था कि 3 लाख हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो फिर बाकी एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो पॉइंट नंबर सेवन में कौन सा एसेट आ रहा है, वही आ रहा है कैश वाला ही आ रहा है, और फर्नीचर सॉरी मोबाइल्स वाला एसेट कम हो रहा है, जा रहा है, अब नहीं रहा हमारा एसेट। ठीक है, इसी तरह आपके मैंने कल भी एग्जांपल्स दी थी, जो हाथ में पेन है, जो आपका रजिस्टर है, आपके पास जो मोबाइल है, आप अगर बाइक पे आए हैं, आपकी जेब में कैश है, बैंक बैलेंस है। बिजनेसेस के एंगल से अगर सोचते हैं, बिजनेस के पास अगर कोई लैंड है, कोई मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये सब एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स है। तो आए दो तीन एग्जांपल्स और लिखे आगे, तो हर वो चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलना बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए एक एसेट है। तो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के एंगल से एग्जाम्पल दो तीन लिखो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। समझ आ रही है सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं, प्लीज रहनी चाहिए। एनी क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो? चलो बराबर, चलो नंबर टू देखते हैं। इसके बाद मेन हेडिंग हमारी क्या चल रही है जिसको हम पढ़ रहे हैं? मेन हेडिंग, मेन हेडिंग, मेन हेड सिर्फ अकाउंटिंग में एक हो गया नंबर वन एसेट। नंबर टू फिर बड़े बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती है। तो लाइबिलिटीज की एक डेफिनेशन लिख लो, नहीं वो तो एक एग्जांपल है। लाइबिलिटीज जनरली मीनिंग क्या है, फिर एग्जांपल्स में आते हैं लिख लेते हैं। लाइबिलिटी मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा वर्ड्स मुश्किल है, बाद में फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ, पहले एज इट इज वर्ड सीखिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, और फिलहाल जरा ब्रैकेट में लिखना रिसोर्सेस के बाद कैश रिसोर्सेस, नॉर्मली कैश रिसोर्सेस या कैश से लिखना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, लिखे। पहले पहले जरा इनवर्ड्स के ट्रांसलेशन सुन लो।
प्रेजेंट मीन्स हो गया आज, एग्जिस्टिंग मौजूद है, क्या मौजूद है. ऑब्लिगेशन मीन्स लिख लें जरा आसान लफ्जों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारा बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मौजूद है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब पता है सबको, तो जिम्मेदारी है. उस जिम्मेदारी की सेटलमेंट अगर करेंगे, अब सेटलमेंट मीन्स होता है अकाउंटिंग में पेमेंट, उसे फुलफिल करेंगे, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे, सेटल करेंगे, तो सेटलमेंट मीन्स पेमेंट करेंगे. बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, उसकी जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस के रिसोर्सेस का आउटफ्लो हो जाएगा. और यहाँ रिसोर्सेस से मुराद कैश का आउटफ्लो हो जाएगा. आउटफ्लो से मुराद एक है इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब पैसे आ जाएंगे. लेकिन लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, ऐसी ऑब्लिगेशंस को कहते हैं जिन ऑब्लिगेशंस की पेमेंट करते हुए बिजनेस का कैश चला जाता. समझ आ रही बात. एग्जांपल से मैं भी देता हूँ, पहले जरा वर्ड्स फाइनल करना. ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको अदा करते हुए बिजनेस के कैश रिसोर्सेज में कमी आ जाएगी, आउटफ्लो हो जाए. इनफ्लो क्या है, पैसों का आना, क्या पैसे आएंगे, सेटलमेंट करते हुए बिजनेस के पैसे चले जाए. अब समझने के लिए आ जाए दोबारा एग्जांपल की तरफ. पॉइंट नंबर वन में वही एग्जांपल जो पार्ट का लास्ट पॉइंट लिखा है. बट अगर तो वॉइस का प्रॉब्लम आएगा तो अगर तो ओवरऑल इशू आ रहा होगा फिर तो मुझे पता चल जाएगा, अदरवाइज जरा रीज्वाइन करके देखा कर. ऑनलाइन स्टूडेंट से कह रहा हूँ, अगर स्पेसिफिकली कभी इशू आ रहा तो पहले रीज्वाइन करके देख लेकर फिर मैं पहला पूछना. मतलब ओवरऑल इस वक्त इशू नहीं है, वरना तो मुझे सामने आइडिया हो जाता मुझे. सर जी नंबर वन पढ़े, पॉइंट नंबर वन बार बार पढ़ के आपने फाइनल कर लेना इंशाल्लाह यहीं से. हमने नंबर वन कहाँ से पैसे आए, ऑनर से. जो कैश आया वो क्या था, कैश एसेट था, एसेट. इसको अगर फर्दर भी मैं डिटेल में डिस्कस बाद में करता हूँ. पॉइंट नंबर टू पे आया था, इसको बैंक से हमने लोन लिया है. इसको कंसंट्रेशन सुनना जरा. जब बेटा बैंक से लोन लेके कैश आएगा, क्या उससे हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट्स ले सकेंगे? तो वो जो कैश है वो तो एसेट है, लेकिन क्योंकि ये कैश हमने उधार के तौर पर लिया है इसलिए ये लाइबिलिटी भी है. मैंने तो कहा था लाइबिलिटी में पैसे जाते हैं, तो यहाँ तो पैसे आए हैं. इसको क्लियर करें जरा. जब लोन लेंगे यकीनन उस वक्त पैसे इनफ्लो होंगे. मैंने किस वक्त की बात की थी, जब सेटलमेंट करेंगे, यार जब लोन वापस करेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे. तो मैंने सेटलमेंट का वर्ड किस एंगल से लिखा, जब अदा करेंगे. तो जब लोन लेंगे तो क्या कैश आएगा, या लोन लेंगे तो कैश आएगा. जो कैश आएगा वो तो एसेट है, लेकिन क्या वो कैश ले लेने से हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बन जाएगी, क्या हम जो एग्री टाइम पीरियड डिफाइन हुआ है उस वक्त तो बैंक के वो पैसे वापस करें. तो जब वो पैसे वापस करेंगे फिर बिजनेस के कैश का आउटफ्लो हो जाएगा. तो बैंक से पैसे पकड़ लिए, ये पैसे हमारा एसेट है, लेकिन क्योंकि ये पैसे वापस भी करने हैं तो ये जो वापस भी करने वाला एलिमेंट है इट शोज के ये बैंक का लोन हमारी लाइबिलिटी भी है. ये भी है, समझ आता. कैश क्या चीज है, लेकिन क्योंकि अपने पैसे नहीं उधार पे लिए इसलिए पैसे पकड़ लेने से हमारी ये लाइबिलिटी भी बैंक की तरफ बन गई. समझ आ रही प्लीज. तो ये जो बैंक लोन है, कैश आ जाने से एसेट बढ़ा, और क्योंकि ये पैसे वापस करने हैं इसलिए लाइबिलिटी भी बढ़ गई या कम हो गई. क्या क्या साइमल्टेनियसली बढ़ गया, कैश और एसेट बढ़ा और बैंक लोन वाली लाइबिलिटी भी बढ़ गई. अब लेट्स अस्यूम अगर इस लोन को वापस कर दें, जब कभी लोन वापस करेंगे फिर क्या होगा, फिर कैश भी कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी. लेकिन ये लाइबिलिटी कब तक स्टैंड करती रहेगी, जब तक हम इसे वापस नहीं करेंगे. तो बैंक से अगर लोन लेंगे तो जो पैसे हैं वो आपका एसेट है, उसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैसे हमारे अपने नहीं है, हमें उधार के तौर पर मिले हैं तो हमने रिटर्न भी करने हैं. रिटर्न भी करने वाला एलिमेंट है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारी बैंक लोन की एक लाइबिलिटी बन गई.
व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी जो हमें अभी तक पॉइंट नंबर 2 से पता चला है, आगे लिखते रहा करते हैं. फॉर एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक. एक मिनट, इसी तरह अगर लोन फ्रॉम फ्रेंड हो, किसी फ्रेंड से लिए, किसी रिलेटिव से लिए, किसी भी लोन को अगर आपने लिया है तो वो लोन आपके लिए क्या बन जाएगा? वो लायबिलिटी बन जाएगी. कब तक बनी रहेगी? जब तक उसे सेटल नहीं कर देंगे. सेटलमेंट मींस जब तक उसकी रीपेमेंट नहीं करते. तो हर लायबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक उसकी सेटलमेंट या पेमेंट नहीं हो जाए. एनी कंफ्यूजन? बाकी बेटा अभी एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटी मैंने कल वाली एग्जांपल में नहीं डिस्कस किया, मैं आज इंशाल्लाह फर्दर एग्जांपल्स में आऊंगा. तो फिलहाल एक ही लायबिलिटी की एग्जांपल हमने पढ़ी है. वैसे आप जरा देख लें तो ये और आपको तो नहीं नजर आती इन पॉइंट्स पर. नंबर 3 देख लें, 4 देख लें, 5 देख लें, चलते रहे आगे. सैलरी मेरे पे छोड़ो, मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ आपको. तो सैलरी की एग्जाम्पल अलग मैं डिस्कस करूंगा. सैलरी के अलावा देख लें, फर्नीचर तो कैश पे लिए ना. पॉइंट नंबर 3 से जरा आगे देखें, शॉप लिए है, पैसे दे दिए, तो क्या लायबिलिटी बनी? अगर शॉप ले लेते और पैसे ना देते, उधार पे अगर शॉप खरीद लेते तो फिर लायबिलिटी बन जानी थी. क्यों शॉप के पैसे लायबिलिटी नहीं बने? शॉप ली, पैसे पकड़ा दी. नंबर 4 देखें, फर्नीचर लिया, एसी लिया, कैश में लिया, क्या नहीं बनने दिया? लायबिलिटी नहीं बनने दिया. लेकिन ये अगर फर्नीचर और एसी ले लेते और पैसे ना देते तो फिर इसने लायबिलिटी भी बन जाना था. फर्नीचर आगे एसेट है और अगर पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी भी हो जानी. लेकिन यहाँ लायबिलिटी क्यों नहीं बनी? फर्नीचर पकड़ा, पैसे पकड़ा दिए, तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनी, नहीं बनी. इस तरह नंबर 6 देखें, हमने मोबाइल्स खरीदे और कैश दे दिए. ठीक है, मोबाइल्स खरीद लेते अगर क्रेडिट पे उधार पे तो इससे भी लायबिलिटी बन जाना था. इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए और पेमेंट नहीं की, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है पेमेंट नहीं की, बैंक इंटरेस्ट पे आ जाए, बैंक का इंटरेस्ट 1 मंथ का ड्यू हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, लायबिलिटी बन जानी थी. ठीक है, तो इंशाल्लाह और फादर में एक्सप्लेन करता हूं. फिलहाल अकॉर्डिंग टू दीस एग्जांपल्स पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग दीस पॉइंट्स, सॉरी जो कल एग्जांपल करी थी हमने, उसमें पॉइंट नंबर 2 में जो बैंक लोन है उस पे जरा दोबारा फोकस कर लेंगे, एक बार दोबारा देखते हैं. बाकी फिर जो मैंने सैलरी की बात अभी रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो फिर मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. ये बेटा अगर आपने कोई भी चीज ले ली है पैसे नहीं दिए तो ये बात समझ आती है कि कोई भी चीज ले ली है पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी बन जाएगी. कब तक बनी रहेगी? पार्टिसिपेट किए रहे हैं, बार 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 रिपीट करने का मकसद आप भी बोलने बोले सोचे ताकि बातें में सेट हो, नई तरीके से जरा चीजें आपके सामने आ रही. कोई भी चीज आपने ले ली और पेमेंट अगर नहीं की तो यकीनन जो चीज ली अगर उसका फ्यूचर में बेनिफिट होना है तो वो चीज इटसेल्फ एसेट है. लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो वो पैसे देना हमारी लायबिलिटी भी बन गई. तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आ गया, और अगर पैसे नहीं दिए तो इसको लायबिलिटीज के रिकॉर्ड में हमें लिख लेना चाहिए जब तक इसकी पेमेंट करके सेटलमेंट ना हो. चलो आगे, कोई क्वेश्चन आपका? ये ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? नंबर 3 देन सर बिजनेस में इनकम्स भी होती हैं. तो इनकम्स मीन्स क्या होता है? अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कमाई, अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज. Earnings of business from its activities.
बिजनेस की वो कमाई जो बिजनेस ने अपनी एक्टिविटी से जनरेट की है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम। अपनी एग्जांपल में जल्दी कुछ बातें हुई है, दोबारा फिर देख के सही फाइनल करें। पॉइंट नंबर वन, में इनकम हो गई सर। सर जी पैसे आ गए, पैसे आने का मतलब इनकम नहीं है, पैसे कमाने का मतलब इनकम है। तो कोई भी कह सकता है, अकाउंटेंट अगर ना भी हो तो शख्स किसी भी अगर आप पूछेंगे कहेगा पैसे आ गए इनकम है, लेकिन पैसे आने का मतलब इनकम है, पैसे कमाने का मतलब इनकम है। तो पॉइंट नंबर वन में हमने कमाए, पॉइंट नंबर टू में भी कमाए। तो ये जो पैसे है वो एसेट जरूर है, लेकिन वापस करना इसके साथ साथ लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है। कौन से पैसे हमारे इनकम होंगे? जो अर्न करेंगे, जो हम कमाएंगे। ये तो उधार है, ये तो उधार है। इन पैसों को पकड़ने से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी बन जाएगी। ऐसे सर, इस बैंक लोन के पैसों को पकड़ने से कोई आपको आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा नहीं हो जाएगा? तो ये तो इनकम नहीं है, इनकम तो कमाने से होती है। ऐसे पैसे जो फिर हमने अर्न किए ताकि हम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें और किसी को नहीं देने हमने। क्लियर? नंबर 3, 4, 5 में ढूंढने को इनकम, सिर्फ इनकम कहाँ है? 7 में 23 लाख इनकम है या 3 लाख? प्रॉफिट और इनकम भी अलग अलग रखना। प्रॉफिट और इनकम एक ही चीज है, प्रॉफिट तो एक्सपेंसेस लेस करके आता है। तो बताइए पॉइंट नंबर 7 में इनकम कितनी? 23 लाख है। क्या ये हमने कमाया? ये बिजनेस की अर्निंग है, ठीक है। तो कल मैंने सर एक और वर्ड भी लिखा था, ब्रैकेट में लगा इन्होंने सेल प्राइस और शायद सेल इनकम भी लिखा होगा कहीं, ठीक है। तो अब आगे मेरा इधर वापस कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा। तो एक तो इनकम की टाइप हो सकती है सेल इनकम। सेल इनकम से मुराद चीजें बेच के पैसे कमाए, लेकिन मैं शायद मैं कल भी बता रहा हूँ कॉलेज अगर कोई जहन में लाएंगे तो उसकी इनकम कहाँ से होगी? फीस इनकम। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कमीशन इनकम। अगर आपका कोई प्लाजा है, आपने रेंट दिया है, रेंट इनकम, ठीक है। तो सेल अगर वर्ड आए तो सेल मीन्स क्या है? चीजें बेच के इनकम, लेकिन डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं। तो फीस इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इनकम मेरा एक मेन वर्ड है। उसके फिर मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ बिजनेस की। वर्ड मीन्स डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स हो सकती हैं। कुछ बिजनेसेस गुड्स बेच के, चीजें बेच के कमा रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे के कमा रहे हैं, कुछ रेंट कमा रहे हैं, कुछ कमीशन एजेंट है कमीशन कमा रहे हैं। समझ आ गए? तो कंफ्यूजन रेवेन्यू और इनकम इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, बड़ा यूज हो रहा है। तो इनकम इन रेवेन्यू, इनकम मीन्स रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिखा इनकम और रेवेन्यू इंटरचेंजेबली वर्ड्स। अगर कोई बिजनेस जो है वो चीजें बेच के इनकम कमा रहा है तो उसे सेल रेवेन्यू भी कह सकते हैं और सेल इनकम भी कह सकते हैं। तो रेवेन्यू और इनकम इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो रखते हैं, ठीक है। कोई और कंफ्यूजन? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? इनकम की का एक और नाम सिंपली बेटा रेवेन्यू मैंने लिखा। रेवेन्यू भी बोला जाता और इनकम भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली बस रेवेन्यू जब आएगा फिर तो याद करा दूंगा, वैसे इनकम बढ़ जाएगा। आगे चलो, नंबर 4 सर। देन उसके बाद बिजनेस में एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। कितने हो गए वैसे एक्सपेंसेस? पहले कौन कौन सा? एसेट्स क्या होता है? पढ़ने दोबारा बार डिफाइन 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 जरा इंग्लिश में कुछ वर्ड्स। जी ठीक है बेटा, मैं इंशाल्लाह कल डीलॉग पढ़ के इंशाल्लाह आऊंगा। एसेट हो गया, लाइबिलिटी और देन देन देन
इनकम, और साइड कौन सा आ गया एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है। एक्सपेंसेस मीन्स अमाउंट फॉर विच अमाउंट फ्रॉम विच बेनिफिट हैज बीन ऑब्टेन्ड अमाउंट फॉर विच बेनिफिट हैज बीन ऑब्टेन्ड। पहली नंबर वन में जो है एसेट की डेफिनेशन देखो, अगर आपने कहीं अमाउंट लगाई है और उस अमाउंट का फायदा अभी हासिल होना है तो वो अमाउंट क्या कहलाएगी एसेट है। लेकिन अगर आपने अमाउंट कहीं पे की है और बेनिफिट हो चुका है हैज बीन ऑब्टेन्ड समझ रहे तो देन फिर ये क्या है, अगर फ्यूचर में बेनिफिट मिलने है तो क्या है और अगर बेनिफिट मिलने के बाद पेमेंट हुई है तो फिर शेयर एक्सपेंस है। दोबारा पॉइंट्स में अगर 1, 2, 3, 4, 5 कंसीडरेट कीजिएगा फिर जी। नंबर वन, नंबर वन में कोई एक्सपेंस, नंबर टू में, नंबर थ्री में, ऐसे गए ऐसे गए सर इस चीज में गए पैसे गए तो है लेकिन क्या जो पैसे के जाने से जो चीज आई है उसका फ्यूचर में अभी बेनिफिट मिली तो एक एसेट जाके दूसरा एसेट बढ़ गया। कौन सा जाके कौन सा आ गया कौन सा एक्सपेंस है यहाँ पे बच्चे में कोई एक्सपेंस नहीं है, अमाउंट हमारी गई है उससे एक और एसेट आ गया। सिमिलरली नंबर फोर क्या गया क्या कैश वाला एसेट गया पर नेचर एसी वाला एसेट आ गया एक एसेट जाके गया दूसरा एसेट आ गया। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स एक गया एसेट एक आ गया कौन सा गया कौन सा आ गया। नंबर सेवन तेईस लाख क्या है 23 लाख वो तो इनकम हो गई 20 लाख की शक्ल में हमने ले लिया है तो 20 लाख विल नाउ बी कॉल्ड एज एन एक्सपेंस। ठीक है लेकिन क्या उससे जो बेनिफिट हुआ उससे भी और फ्यूचर बेनिफिट होगा उस कैश से जो चीज हमें मिली अब कैश की बजाय उससे फ्यूचर बेनिफिट मिला तो मीन्स में हमारा कैश भी है वो एक दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रादर देन कि उस कैश के जाने से हमारा कोई एक्सपेंस हो जाता। वैसे फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा नीचे रहे सैलरी में जरा एक मिनट पॉइंट नंबर एट में क्या सैलरी की पेमेंट चक्कर भी कैश है क्या सैलरी की पेमेंट करते हुए भी कैश जाएगा लेकिन क्या ये कैश आपको फ्यूचर में भी बाद में फायदा देगा। नॉर्मली सैलरी कब देते हैं पहले एम्प्लॉई ने महीना काम किया होगा उसकी सैलरी उस एम्प्लॉई से जो आपने बेनिफिट लेना होगा ले लिया है और उसके बाद में पैसे दे दिए तो जो उसका पैसे दे दिए इन पैसों का आपको कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल रहा तो क्या ये जो पैसे आप एम्प्लॉईज को सैलरी के तौर पर 60,000 दे रहे हैं अब इन पैसों को हम एक्सपेंस बोले असर बोले लेकिन ऊपर ऑफिस है शॉप ऐसे वहां भी जा रहे हैं वहां भी जा रहे हैं पॉइंट नंबर थ्री में भी और एट में भी क्या डिफरेंस है। पॉइंट नंबर थ्री में जो पैसे जा रहे हैं उनसे एक और चीज आ गई है जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिले इन अदर वर्ड्स एक एसेट पे जाने से एक दूसरा एसेट क्रिएट हो गया और नीचे आएगा पॉइंट नंबर एट में वहां कैश के जाने से एक एक्सपेंस में इंक्रीज आ गया। नीचे पॉइंट नंबर एट में पैसे किस काम के लिए गए एक एक्सपेंस के लिए गए समझ आ रही प्लीज और पॉइंट नंबर थ्री फोर फाइव तो पॉइंट नंबर थ्री फोर एंड सिक्स में
ये पैसे गए, जरा इकट्ठा देखे सारे, पॉइंट नंबर 3, 4, 6 पैसे गए, लेकिन उन पैसों के जाने से जो चीजें आ गई अब उसकी बजाय उनसे फायदा हो। तो 3, 4, 6 में कॉमन के एक एसेट बढ़ के एक एसेट या पहले कम होके कैश वाला तो दूसरा एसेट क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस में पॉइंट नंबर 8 में दोबारा एक्सपेंसेस में पैसे जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे कि एसेट बढ़ रहा है एक्सपेंस बढ़ रहा है, वो एक्सपेंसेस में पैसे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया? तो क्या डिफरेंस क्या है कि जो आपकी पेमेंट हो रही है उसका क्या आपने फ्यूचर में भी बेनिफिट उठाना या बेनिफिट नहीं उठाना, बेनिफिट उठा लिया, अगर बेनिफिट उठा लिया है तो देन फिर एक्सपेंस है, और अगर बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना तो फिर वैसे। ठीक हो गया, तो एक्सपेंसेस कहाँ का है जरा इसी डिस्कशन को दोबारा समराइज करें, किस किस पॉइंट में एक्सपेंसेस मिला, पॉइंट नंबर 7 में एक्सपेंस मिला, कितना एक्सपेंस मिला, और फिर पॉइंट नंबर 8 में एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हमने बनाई। ठीक है, अच्छा यही बोला रुक के लिए थोड़ी सी बात हुई और जरा डिटेल में चले। समटाइम्स एक कॉन्सेप्ट होता है कि सैलरीज एडवांस में भी दी जा सकती है, ऐसे में आपका कोई एम्प्लॉई है, नहीं फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एम्प्लॉई है उसे पैसों की जरूरत है, उससे आपसे कहा कि मेरी मंथली सैलरी जरा मुझे काइंडली एडवांस में दे दें। एडवांस में दे देने का मतलब क्या होगा कि जो मंथ एंड पे सैलरी देनी थी अब कब देंगे, जैसे जो मंथ के स्टार्ट पे दे रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल है जनवरी का महीना और जनवरी की सैलरी अगर आप एडवांस ऑफ जनवरी में जनवरी के स्टार्ट पे दे दें, फॉर एग्जाम्पल 20,000 सैलरी, तो ये 20,000 अगर आप जनवरी के स्टार्ट पे दे रहे हैं तो क्या ये 20,000 रुपीज महीने के स्टार्ट में आपका एसेट है या एक्सपेंस है? क्यों एसेट है? अभी इसके अगेंस्ट सर्विसेज आपने लेनी है, इस पैसे का बेनिफिट अभी आपने उठाना है, अब ये 20,000 क्या कहलाएगा? एसेट। लेकिन जब महीना गुजर जाएगा तो एक्सपेंस कब बन जाएगा या बेनिफिट मिल जाएगा? ठीक है, बारे में मैं वहां सारी बात रिपीट फर्दर एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन 900 से कोई भी अमाउंट है अगर उसका फ्यूचर बेनिफिट अभी रहता है तो वो चीज क्या कहलाएगी? एसेट। और अगर फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल रहा बेनिफिट मिल चुका है तो देन एक्सपायरेंस। और क्लियर है प्लीज? आइए जरा 10th चले की एग्जांपल देखते हैं। ये टेबल है इसमें साथ है आप लोग लिस्ट पर आ जाएंगे थोड़ी सी सैलरीज लिख वो जो कल बात हुई है सैलरी बिल्स रेंट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस इंश्योरेंस का मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है डिस्कस कर लेंगे। नंबर 8 में बता हमारे सैलरीज बिल्स के खर्चे हुए और खर्चे होने के बाद हमने उनकी पेमेंट कर दी, तो जो पेमेंट आपने की है अब उस पेमेंट का साथ आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, देयरफॉर वो पेमेंट जो है हमारा एक्सपेंस कंसिडर होगा। एक्सपेंसेस का हमने बेनिफिट उठाया, हमने अमाउंट्स का बेनिफिट उठाया और उनकी पेमेंट कर दी, देयरफॉर अब वो अमाउंट्स हमारा एक्सपेंस है या एसेट है, ये साथ है। ये साथ क्लियर है? क्लियर हो गया ना प्लीज? जी आपका तो नहीं कोई और सवाल है यहाँ पर? तो फिर इंशाल्लाह फिर से क्या आज आखिरी क्लास है बेटा या शुरू कर लें ऐसा? और अगर एसेट इंश्योरेंस भी करवाइयो, अगर हम बच्चों के साथ बैठे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन और ना करिए यार तेरी मेहरबानी, इंशाल्लाह मैं कल पढ़ के आऊँ। नंबर 5 बेटा प्लीज एक सेकंड एक चीज क्लियर कीजिएगा जरा, नंबर 3 में आएगा, एक सेकंड क्वेश्चन में से पूछा गया कि रेंट इनकम भी है और एक्सपेंस भी है, अगर प्लाजा हमने रेंट पे दिया हुआ तो रेंट बेटा हमारी इनकम होगी, और अगर हमने कोई बिल्डिंग खुद से रेंट पे ली हुई है
तो ये बेटा मैं किसी एक कंबाइन एक ही बिजनेस की बात नहीं कर रहा, किसी बिजनेस के लिए रेंट इनकम भी हो सकती है और किसी दूसरे बिजनेस के लिए रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है तो रेंट एक्सपेंस होगा, अगर ली हुई है, और अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो वेल आपकी इनकम होगी। ठीक है बेटा प्लीज, तो इस बिजनेसेस में जो कमा रहे हो रेंट वो इनकम है, और अगर आप रेंट पे प्रेमिसेस लेकर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका रेंट एक्सपेंस। कितने हो गए, कौन कौन से हो गए? लास्ट वाले कैसे, लास्ट वाले इज कैपिटल, कैपिटल या स्लैश कौन कौन से पढ़ लेते हैं? कैपिटल या इक्विटी इंटरचेंजेबली, जिसका मैंने बताया इनकम और रेवेन्यू वर्ड यूज होता है, कैपिटल को समटाइम्स इक्विटी भी, लेकिन मेरा फर्क फिलहाल अगर कैपिटल वर्ड शायद बेहतर रहेगा समझने के लिए, बाकी तो ये इक्विटी और कैपिटल इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं। मैंने लिखा बोला कैपिटल कहते हैं बेटा अमाउंट ऑफ ओनर इन बिजनेस, अमाउंट ऑफ ओनर इन बिजनेस, बिजनेस में जो ओनर के पैसे हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कैपिटल। ओनर के बिजनेस में पैसे कैपिटल कहलाते हैं। इसके कहां पैसे क्या कहलाते हैं? ओनर के बिजनेस में पैसे कैपिटल कहलाते हैं। दोबारा आ जाए एग्जाम्पल में, दोबारा पॉइंट वन से शुरू करें, पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव में मैं पूरा समराइज फॉर्म में आपके सामने सब कुछ रिपीट करूंगा कि इसमें क्या क्या है। पॉइंट वन में कैश आ रहा, तो कैश आ रहा है एसेट, कैश एसेट है, कैश एसेट है, लेकिन ये कैश कहां से आ रहा है? इसलिए ये कैश है, कैपिटल भी है। लेट मी रिपीट, क्या कैश एसेट है? कहां से आया? इसलिए ये कैपिटल भी है। तो फर्स्ट लाइन में बिजनेस का कैश कितने से इंक्रीज हुआ? 10 मिलियन से, और साइमल्टेनियसली 10 मिलियन से कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। तो क्या क्या साइमल्टेनियसली इंक्रीज हुआ? कैश वाला एसेट और ओनर से पैसे मिलने की वजह से कैपिटल साइमल्टेनियसली दोनों इंक्रीज हुए। क्यों मैंने इन पैसों को कैपिटल भी कहना शुरू कर दिया? क्योंकि ओनर से आए। नंबर टू देख बेटा, पॉइंट नंबर टू में क्या कैश आ रहा? क्या कैश एसेट है? क्या एसेट है? सभी जिन दिन अगर आपको कैश लाइबिलिटी लग रहा है तो आपकी जेब में पड़ा, क्यों रखते हैं लाइबिलिटियां जेब में? कैश एसेट है, बिल नहीं कर रहा मुझे देने को, ना 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 माने, कैश एसेट ही है। लेकिन पॉइंट नंबर टू में ये कैश हमने कमाया नहीं है, हमने उधार लिया, इसलिए जो कैश वाला एसेट है साथ साथ लाइबिलिटी भी है। समझ आ रही है प्लीज? ये पॉइंट वन और टू में डिफरेंस क्या है? ओनर से पैसे आ रहे हैं तो कैपिटल है, और ओनर के अलावा किससे पैसे ले रहे हैं और वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी। तो पॉइंट नंबर वन में क्या क्या साइमल्टेनियसली बढ़ रहा? कैश से और कैपिटल फ्रॉम ओनर इंक्रीज हो रहा है। और पॉइंट नंबर टू रिपीट करें, कैश वाला एसेट और बैंक लोन वाली लाइबिलिटी में साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है ना। नंबर थ्री में तो फिर एक एसेट दूसरे एसेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ओनर में भी, बाकी को ढूंढने और कैपिटल भी आएगी। नहीं वो एक मिनट आता है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर एट, अप टू द पॉइंट नंबर एट। तो पॉइंट नंबर एट तक पहले ओनर के बिजनेस में कितने पैसे हैं? बस पॉइंट नंबर वन में आए, उसके बाद फर्दर कोई उसने इन्वेस्ट तो नहीं किया,
तो ऑनर के हमारे इस एग्जांपल में 10 मिलियन पैसे इस बिजनेस में मौजूद हैं, डन है यहाँ तक। अब ये कहानी वो प्रॉफिट की तरह वर्किंग निकाल रहे जो कल आपने बना लिए शायद कल क्लास के एंड में। एक प्रॉफिट की वर्किंग की है सर सबसे एंड में कल वाले पेजेस पे। अब आप विश्वास करें जरा अपना बिजनेस समझे जरा, आपने इस बिजनेस में 10 मिलियन लगाया था, सही लगाया था सर, तो इस फर्स्ट मंथ के एंड पे प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? 10 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके एफर्ट से आपके इस बिजनेस ने 1,64,333 रुपीस नेट करके कमा लिया। बताएं क्या ये पैसे भी आपके हैं? मेरे नहीं, मेरे नहीं। बिजनेस किसका है? आपका है। ओनर कौन है? आप हैं। प्रॉफिट किसका है? बिजनेस का है। आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, बिजनेस किसका है? आपका, ठीक है, आपने हमारे ही बोला। प्रॉफिट किसने कमाया है? बिजनेस ने। किसके बिजनेस ने? आपके बिजनेस ने। तो प्रॉफिट हो गया मेरा, प्रॉफिट हो गया किसका? बिजनेस का प्रॉफिट किसका? हमारा, मींस ओनर का। तो महीने कहेंगे मैं आपके कितने पैसे हो गए? 10 मिलियन ही है या उसमें कुछ इजाफा हो गया? और रहने दो यार, ये तो मेरा, ये तो बिजनेस का है। बिजनेस का प्रॉफिट किससे है, किससे रिलेटेड होगा? बिजनेस से अगर कुछ कमा लिया तो किसको मिलना चाहिए? ओनर को मिलना चाहिए। तो आपने शुरू में कितने लगाए थे? 10 मिलियन। लेकिन आफ्टर वन मंथ उस 10 मिलियन में और क्या ऐड हो जाना चाहिए? आपका एक प्रॉफिट ऐड हो जाए। और अगर खुदा ना खासा लॉस हो जाए तो वो मुझे तो दे दें, लेकिन मैं होना क्या चाहिए? प्रॉफिट भी आपके, प्रॉफिट भी किसका और लॉस भी किसका? ओनर का ही होगा। तो प्रॉफिट ऐड होना चाहिए आपके पैसों में या लेस होना चाहिए? अगर खुदा ना खासा लॉस हो जाए तो फिर यकीनन वो लेस भी होना चाहिए। तो अभी दोबारा डेफिनेशन देखने, मैंने वर्ड्स लिखवाया अभी, कैपिटल मैंने क्या बताया? तो ओनर के पैसे शुरू में तो इन्वेस्ट होते हैं, अगर वो और इन्वेस्ट कर दे दोबारा बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ी, उसे और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इसका कैपिटल और बढ़ जाएगा। और अगर फिर बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो वो प्रॉफिट भी उसके पैसों में एड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप के फर्स्ट मंथ के एंड पे कैपिटल कैलकुलेट करना चाहूँ तो अमाउंट इन्वेस्टेड 10 मिलियन में क्या चीज ऐड हो जाएगी? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो आज हम जहाँ डेफिनेशंस लिख रहे हैं वहां एक वर्किंग करना शुरू करा। बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जांपल जो कल कर रहे थे, एक हेडिंग बना लो, एक लाइन अगर इसके नीचे छोड़ दो जरा, या ये डेफिनेशन लिख रहा है, एक लाइन छोड़ दो, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। जो डेटा कल से हम यूज कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसी के बेस पे वर्किंग कर रहा हूं। परेशान तो नहीं हो रहा? ये काइंडली करवाएंगे वर्किंग कैसे करो, कहां से शुरू करो? पहले अमाउंट इन्वेस्टेड बता दो, ठीक है, फर्स्ट टाइम अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10 मिलियन। देन बेटा क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? प्रॉफिट आएगा कैसे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बिजनेस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ चुका है। प्लस ढूंढने फिगर देख के बोले, देख के बोले 164 कैपिटल 3, दोनों को ऐड करके कैलकुलेटर पे लिखा है।
प्लीज कैलकुलेटर लाया करें यार। मैंने यार कैलकुलेटर पे करें, सबने अपना हाथ मोबाइल की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। क्या आंसर आया? 101 64 333। 1,01,65,333। ठीक है सर, क्या है सर अभी मंथ के स्टार्ट पे कैपिटल कितना था, लेकिन मंथ एंड पे कितना हो गया? बोले जो भी है बोले, अपने नहीं पैसे तो इंक्रीज आ गया। चलो इंक्रीज आ गया तो अमाउंट इन्वेस्टेड में क्या ऐड हो गया? प्रॉफिट ऐड डन हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ये पास हो गया। एक मिनट, एक क्वेश्चन अच्छा आपका कैंडी, जरा पहले जरा मैं बात कंप्लीट करूँ फिर आप पास करो जी। कोई सवाल तो नहीं आता? मैम मेरा दोबारा जरा विजुलाइज करें कैंडी, बिजनेस आपका प्रॉफिट कमा लिया, अब आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं घर के, सारा दिन तो आप टाइम कहाँ दे रहे हैं बिजनेस में? क्या अभी आपका राइट बनता है कि जितने पैसों की आपको जरूरत है वो पैसे आप अपने इस प्रॉफिट में से निकाल के अपने खर्चे कर लें? मैंने तो कहा था कि पर्सनल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट की वर्किंग में कंसिडर करते नहीं। मैंने तो कहा था कि पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस के प्रॉफिट में कंसिडर करते नहीं है, तो वहां तो मैंने कंसिडर कर भी नहीं रहा हूँ। ये प्रॉफिट कैसे आया था? बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपने कुछ बिजनेस के बिजनेस आपके बिजनेस से कुछ प्रॉफिट कमा लिया है तो क्या अभी आपका राइट होना चाहिए कि आप इन पैसों को जहां चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें? अभी होना चाहिए सर। बिजनेस क्यों कर रहे थे? प्रॉफिट कमा लें। अब जब प्रॉफिट हो गया है तो आपकी अब चॉइस होनी चाहिए कि जितना चाहे जब चाहे इसमें से निकाल के इस्तेमाल कर लें। ठीक है, समझ आ रही बात मेरी? तो अगर ओनर अपने पर्सनल नीड्स के लिए, अगर ओनर अपनी पर्सनल नीड्स के लिए बिजनेस से पैसे ले तो फिर अकाउंटिंग में ग्लव्स इस्तेमाल होता है, ड्रॉइंग्स। क्या आपका ये राइट होना चाहिए कि ड्रॉइंग्स की जा सके? कहां से प्रॉफिट से? तो सबसे पहले ये जो मैंने लफ्ज बोला इसको डिफाइन करें, नीचे दो लाइनें रखते जरा जहाँ ये टोटल मैंने किया। एक लफ्ज सेकेंड ड्रॉइंग्स, ये मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए तो पर्सनल एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होने चाहिए, और यहाँ भी मैं पर्सनल एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं कर रहा। मैं इस लफ्ज का मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं लिख देता हूँ, तो पहले लिखें फिर फर्दर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ड्रॉइंग्स मीन्स होता है अमाउंट टेकन बाय ओनर, अमाउंट टेकन बाय ओनर। ये सलमान साहब ये टोटल कैपिटल यहां तक था, लेकिन अभी और एक स्टेप आ गया। अमाउंट टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, बिजनेस से अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे ले तो हम अकाउंटेंट्स क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि ओनर ने बिजनेस से ड्रॉइंग्स कर ली। क्या ओनर की ड्रॉइंग्स की वजह से उसका बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? तसल्ली से फिलहाल अपनी जरूरत के लिए 1,00,000 रुपए बिजनेस से लिए। ड्रॉइंग्स 1,00,000 बिजनेस से लिया है, बिजनेस में लिया है, बिजनेस से लिया तो ऐड कर दो, इन्वेस्ट कर दो, फिर पहले हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उसकी बिजनेस क्या बढ़ रही है, प्लस बढ़ा रही है माइनस हो रही है, तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता और क्या लेस हो जाता है, ड्रॉइंग्स लेस हो जाते हैं और देन फिर एक फाइनल कैपिटल की आपके पास अमाउंट आ जाए। क्लियर हो रहा प्लीज? ये ब्रैकेट याद आ गई, ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने माइनस करने के लिए? तो फाइनल आंसर निकला जरा
ये क्या लिखोगे इसके साथ? कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ, फाइनली द कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ। व्हाट वाज द स्टार्टिंग कैपिटल? 10 मिलियन। फिर उसमें क्या ऐड हुआ और फिर क्या लेस हुआ? तो कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने की है, काइंडली यहाँ से ऑनवर्ड याद रखनी है। अमाउंट इन्वेस्टेड बोले आगे प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू द कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर हम मंथली वर्किंग कर रहे हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो गया ज्यादा हो गया? जितनी ड्राइंग्स बढ़ती जाएंगी ओनर के पैसे बिजनेस में कम होते जाएंगे, और अगर अमाउंट इन्वेस्टेड बढ़ती जाए प्रॉफिट बढ़ता जाए, प्रॉफिट बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और प्रॉफिट के बढ़ने से अमाउंट इन्वेस्ट होने से तो कैपिटल इंक्रीज होगा, लेकिन ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्राइंग्स का एक इनवर्स रिलेशनशिप है, पता है इनवर्स रिलेशनशिप? ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल अगर कम होगा तो एक इनवर्स सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, और प्रॉफिट और कैपिटल का प्रॉफिट के बढ़ने से कैपिटल बढ़ रहा है। बारे ये कोई अगर किसी को पता है वैसे होप पता ही होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ड्राइंग्स का कौन सा रिलेशनशिप है? ड्राइंग्स 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 बढ़ेंगी तो कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर है प्लीज? कोई कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल? सर जी इससे ना करें, अगर ये हो जाए तो वो हो जाए, इंशाल्लाह दो चार दिन गुजार लें फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक मिनट में सब कुछ रहना ना, बस चंद दिन रह गए फिर इंशाल्लाह मैं पूछूंगा कुछ रहा तो नहीं गया। तो अभी बेसिक से जरा डिस्कशन एक स्टार्ट करें। अगर आप पूरे साल के एंड पे वर्किंग कर रहे होंगे तो पूरे साल का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, ड्रॉइंग्स पूरे साल के लेस कर लेंगे, तो वो इशू नहीं है। एक छोटा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो प्लीज इस वक्त जो डिस्कशन हो रही वहीं तक कर ही रहेंगे। ये यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? देन कहीं जरा विदाउट एनी फिगर ऑफ द नेक्स्ट ईयर सेकंड मंथ ऑफ द सेम बिजनेस की तरफ जाए जरा। नेक्स्ट ईयर जो मोबाइल शॉप थी इसका सेकंड मंथ में भी बिजनेस हो रहा है, जरा देखते हैं हम कहां तक पहुंचे हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। सेकंड मंथ में भी कोई इनकम होगी, अल्लाह करे एक्सपेंसेस होंगे, इनकम और एक्सपेंसेस के बेस पे क्या आ जाएगा? सेकंड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कोई सेकंड ईयर के स्टार्ट पे भी कैपिटल है? अब बोर्ड पे देखें जरा, ये जो फर्स्ट मंथ के एंड पे आप फाइनल कैपिटल आ गया, क्या सेकंड मंथ के स्टार्ट पे यही कैपिटल नहीं होगा? 10 मिलियन की बात हो रही है, 10 मिलियन की बात हो रही है। फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट ऐड हो गया, फर्स्ट मंथ की ड्राइंग्स लेस हो गई, एक फाइनल फर्स्ट मंथ के एंड पे कैपिटल आ गया। ये जो फाइनल आंसर आया है यही कैपिटल नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे क्या कहलाएगा? नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे क्या कहलाएगा? नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग कैपिटल, अभी ओपनिंग है ना वर्ड लगाने, इट विल बिकम अ स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ द सेकंड मंथ। ये तो समझ आता है? इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये जो एंड में कैलकुलेट हुई है 10064, इसमें अगले महीने का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। आगे फिर क्या होना चाहिए? आगे फिर ड्राइंग्स जो है लेस हो जाएंगी, फिर क्या कैलकुलेट हो जाएगा? सेकंड मंथ के एंड पे कैपिटल आ जाएगा, फिर वो जो सेकंड मंथ के एंड पे होगा वो थर्ड मंथ के स्टार्ट पे कैपिटल बन जाएगा, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो प्लीज क्या चीज ऐड होती रहेगी और क्या लेस होती रहेगी? ओके जी, प्लीज मतलब नहीं है मेरे को देख के मुस्कुराना, मोबाइल फुल पैक करना, वो वाला मैसेज आ गया या नहीं, इंशाल्लाह जरूर आएगा। क्या हो गया? आई कैम पर मैसेज की बात हो रही है, और कहां से मैसेज आना?
हाँ जी बेटा, ये बातें रहने थे, काइंडली रिवाइज करने का अगर यही मतलब है तो आगे चलते हैं, काइंडली इंडिविजुअली सारी डेफिनेशंस पढ़ें। कंप्लीट साइलेंस। कोई कंफ्यूजन अगर आपकी जहन में तो बताएं। बेटा नहीं कहते वो चीज है, कैपिटल और चीज है। प्लीज जो नाम इंटरचेंजेबल है वो मैं खुद बता रहा हूं, ये फॉर्म बताता हूं। कैपिटल ओनर के पैसों को कहते हैं और कैश इज अ नेम ऑफ एन एसेट। कैश एसेट है, कैपिटल ओनर के पैसे हैं, कैश कमाने से भी आता है, लोन लेने से भी आता है, ओनर के पैसे ओनर के इन्वेस्ट करने से और प्रॉफिट हो जाने से बढ़ते हैं और ड्रॉइंग्स हो जाने से कम होते हैं। तो काइंडली प्लीज जो चीजें आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं वो मैं खुद बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका खुद से लिंक ना करें इसका। कैश अगर आपके सामने लफ्ज बोलने तो क्या चीज है, अपने अपने मतलब स्पेसिफिक बात कर, फिर आपसे बाद में पूछता हूँ। कैश 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 क्या चीज है कैश? बेटा सब कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और वो भी आप सोच नहीं सकते हो सकता है। ना करें, ऐसे ना करें। वर्किंग करके पता चलेगा, कैश इन्वेस्ट करके अगर बिजनेस में इनकम ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उम्मीद तो ये होती है कि पैसे और लगाने से बिजनेस में इनकम्स बढ़ जाएंगी, लेकिन ये बड़ा जरूरी नहीं हो सकता, खर्चे भी बढ़ जाए, तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। ये आप लोगों का कोई क्वेश्चन जी? तो बड़ा आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बिजनेस में से ओनर पैसे तभी लेता है। पहली प्लीज बॉस, बिजनेस से ओनर का पैसे लेने तभी चाहिए जब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो। ओनर का पैसे तब मिलते हैं जब सारे एक्सपेंसेस कवर होने के बाद पैसे बचे। लेकिन अगर फर्ज करें ओनर ने ड्यूरिंग द मंथ पैसे पहले ले लिए, ठीक है, और एंड में जाके फिर लॉस कैलकुलेट हो जाए, हो गया, तो लॉस की वजह से भी और उसके पैसे निकलवाने की वजह से दोनों तरह से उसका कैपिटल कम हो जाए। ठीक है, नॉर्मली तो ये होता है, होना ये चाहिए कि एंड ऑफ द मंथ वो पैसे ले, लेकिन अगर किसी वजह से उसे जरूरत पड़ी, पैसे उसने पहले ले लिए और एंड में लॉस हो जाए, तो फिर लॉस की वजह से भी उसका कैपिटल कम ही होगा और पैसे ले लेने से भी कम ही होगा, तो नेट इफेक्ट सेम होगा। ठीक है, अब इससे सोचो ना, अगर आप खुद ओनर है तो आप कभी भी अपनी जरूरत के लिए उठा सकते हैं, आपको तो रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने उठा लिया और बाद में लॉस हो गया, तो उठा लेने से भी और लॉस हो जाने से भी दोनों तरह से आपका कैपिटल कम होगा। जी कोई और कंफ्यूजन? फिफ्टीन मिलियन कैसे हो गया सर? ना, क्या 5 मिलियन ऑनर से है? पॉइंट नंबर टू कहाँ से है? तो कैपिटल किन पैसों को कहना है? जो ओनर के पैसे हैं, तो ओनर का तो 10 मिलियन है, बाकी जो 5 मिलियन है वो क्या है?
वो कैपिटल नहीं है, वो लाइबिलिटी है, तो वो तो लाइबिलिटीज की लिस्ट में आना चाहिए। ओनर के पैसे कितने हैं? 10 मिलियन इन्वेस्टेड है, बाकी जो प्रॉफिट है वो उसका, और 5 मिलियन किस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, जो लाइबिलिटीज की अगर लिस्ट बना रहे हो। ठीक, सर कहीं नहीं मिलता। फर्स्ट क्लास मैंने बिजनेस शुरू किया, देंगे शुरू करें और नहीं। वैसे बेताश आपने ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे, लेकिन बेटा नहीं होते, क्या कौन सा बिजनेस देखा? सब लोग बेटा बोलेंगे बिजनेस शुरू करने में एक बेटा गिफ्ट देना चाह रहा, क्या नहीं होते, कुछ और कर लेते हैं। एक और कोई सवाल इधर से, और कंफ्यूजन तो नहीं सर? ये ऑनलाइन स्टोर्स का भी बल्कि एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा आया था, मैंने अभी तक उसका उसका आंसर नहीं किया। आप सब लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन उसे पूछा जा रहा है, क्या एक्सपेंसेस लाइबिलिटी भी होते हैं? जरा अपने सामने पॉइंट नंबर 8 रख लिया, जरा आठवें पॉइंट को सामने रखें। क्या एक्सपेंसेस लाइबिलिटी हो सकते हैं? अगर बेटा एक एक्सपेंस हो और हमने कैश दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और आपने भाग के जाके पैसे दे के पे कर दिए, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है लेकिन पे कर देने की वजह से लाइबिलिटी नहीं बना? एक्सपेंस हुआ लेकिन पैसे दे देने से लाइबिलिटी नहीं बना, कंसिडर करिए। लेकिन अगर बड़े ये बिल आया और आपने कुछ दिन अभी पे नहीं किया, बिल आया लेकिन अभी पे नहीं किया, तो क्या जो बिल आया एक्सपेंस हो गया? क्या बिल आया एक्सपेंस हो गया है? क्या एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि पे हो गया? एक्सपेंस मीन्स क्या होता है? बेनिफिट ले लिया है, कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है? जब आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस में आता हो। बिजली इस्तेमाल कर ली है, बिल आ गया है, कंसंट्रेट कंसंट्रेट। क्या एक्सपेंस हो गया? एक्सपेंस हो गया है। एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन पढ़े। इस तरह की बातें नहीं कि डॉक्टर भी कर सकता है सर, डॉक्टर नहीं अकाउंटेंट बनने हमने। एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़े, 10,000 रुपए का बिल आ गया है, 10,000 रुपए का बिल आ गया है, क्या एक्सपेंस हो गया है? सही हो गया है, 10,000 का फायदा भी लेना है, क्या 10,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल करनी होगी? 10,000 रुपए का बिल आ गया है, एक्सपेंस हो गया है, हो गया है, तो पे तो किया नहीं है, कौन सा एक्सपेंस हो गया? यही तो असल बड़ा गेम, असल में तो गेम ही। एक और एग्जांपल ना इस सारी प्लीज करें, अगर कोई बात ऐसी हंसी मजाक की हो जाए तो बस मेरे और आप में, और पता नहीं हुई भी है नहीं, लेकिन आपस में हो गई और गेम ऑन हो गई। प्लीज ऐसे नहीं बेटा करें, प्लीज। मैंने शायद कल भी कहा अच्छे लग रहे हंसते हुए, लेकिन फाइनली पढ़ाई के दौरान पढ़ाई और बाद में जी भर के हंसी, बात जो हो रही है सीरियस नहीं करनी, वरना इससे बात हवा में निकल जाएगी। एक एम्प्लॉई आपने रखा हुआ, उसकी सपोज 25,000 मंथली सैलरी है, उसने पूरा महीना काम कर लिया है, क्या वो 25,000 रुपीज सैलरी के एक्सपेंस हो गया है? क्या आपने इस 25,000 के अगेंस्ट उससे सर्विसेज लेके 25,000 रुपए का फायदा उठा लिया है? क्या ये एक्सपेंस हो गया है? तो एक्सपेंस क्या होता है मेरे भाई? पढ़ के पहले ये कहते हैं तो अच्छा भी लगता, एक्सपेंस किसे कहते हैं? जो पे हो जाए, जो पे हो जाए, ये कहाँ लिखा है?
एक्सपेंस वो पहले पे हो जाए। अगर महीना गुजर गया है तो क्या उसने 25,000 रुपए का जो आपको काम करके देना था वो कर लिया होगा? क्या उस 25,000 रुपए का अपने बेनिफिट ले लिया है? अगर पैसे भी नहीं दिए तो एक्सपेंस के साथ साथ लायबिलिटी भी हो गया। ये एक्सपेंस कब हो गया? जब पे करेंगे या बेनिफिट ले लेंगे। और अगर पैसे नहीं दिए होंगे तो लायबिलिटी भी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? पहले तो पे लेने से एक्सपेंस हो जाएगा और पैसे ना देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे भी बन जाएगी। इनकम तो यस। अगर सर हम क्या सॉरी बीच में बात रहेगी। अगर एम्प्लॉय बन के सोच लेते फिर बड़ा ये आपका फर्ज होगा कि आप उसके घर वालों को पहुंचाए। क्या आपके एम्प्लॉयर को आपके जाने के बावजूद आपकी ये अमानत आपके घर पहुंचा देनी चाहिए? सजी अमानत पहुंचा देनी चाहिए। क्या एम्प्लॉयर का एक्सपेंस फिर भी बन जाएगा? आप एम्प्लॉय है सुनो में आप मेरे साथ ही रह रहे ये बात सीखी है कि जब भी कभी मसले का हल समझ में आ रहा हो तो इंसान उधर पहुंच जाए जहां पर हम दूसरे का अच्छा सोच रहे हैं। अगर मैं एम्प्लॉयर बनकर सोच रहा हूँ तो यकीन है मैं मेरे जैसे बंदे तो पैसे नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय बनकर सोचू तो क्या मुझे मिलने चाहिए? और अगर मैं खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह ना रहूं तो फिर भी मुझे मेरी बजाय किसी और को मिलना। इसका खर्चा हो गया। अगर उसने मुझसे काम ले लिया तो क्या उसका खर्चा हो गया? अब अगर उसने पे नहीं किया होगा उसकी लायबिलिटी भी हो गई। ठीक है, अब ये बड़ा रिलेवेंट है कि अब उसको देने हैं या उसके बिहाफ पे किसी को देने। पर सॉरी मैंने सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आई होप के बाद सही समझ आ गई। मेरे साथ रह के आपने मेरे जैसा नहीं बनना, ये भी जरा ध्यान में रखना। मुझे चेंज करना है आप लोगों तो मेरा मुझे लग रहा है मेरा इंप्रेशन गलत हो गया। आपने लेकिन कभी मेरी मानी तो आपने कोशिश पूरी करनी है। लेकिन जिस तरह मेरी कोशिश अक्सर नाकाम हो जाती है तो इंशाल्लाह आपकी भी फुल नाकाम हो जाती है। और जो आपने कहा है मेरा ख्याल आप रस्ते में जाते हो सोचेंगे जरूर और ठंडे दिल से कल आप मुझे आके बताएंगे कि आपने बात सही की। नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ ना कि सोचेंगे जरूर। आपने कह तो दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोचा नहीं। अक्सर शायद सोचना पहले चाहिए। नहीं नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, मेरा उसका भाई का मामला वो डायरेक्ट हो गया। जो मैं कहीं वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन में एड्रेस हो रहा था क्या एक्सपेंसेस लायबिलिटी भी होते हैं? दोबारा क्या एक्सपेंसेस लायबिलिटी भी हो सकते हैं? हमेशा नहीं। लेट मी कंक्लूड। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंस हुआ और जैसे एक्सपेंस हुआ आपने पैसे दे दिए तो क्या नहीं बनने दिया आपने? लेकिन अगर एक्सपेंस हो गया और आपने पे नहीं किया फिर वो एक्सपेंस लायबिलिटी भी बन गया। ठीक है, बड़ा पास आपको क्लियर हो गया ये पास है। एक्सपेंस कब हो जाता है? लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन जरा यार, एक सेकंड, ये डेफिनेशन सामने रखते हैं। एक्सपेंस कब हो जाता है? पैसे देने से। पैसे दे देने से या पैसों का फायदा उठा लेने से? और अगर अभी पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी कब तक आती है? ठीक है, ये सही आता है। अभी टाइम है थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा और पढ़ लेते हैं।
देन सर जी, बिजनेस की जो परचेज ट्रांजेक्शन है इनके लिए डिटेल डिस्कशन करने में एडिंग लिखे परचेज ट्रांजेक्शन। बिजनेसेस के अंदर से कैश परचेज भी होती है, और क्रेडिट मींस उधार पे परचेजेस का कॉन्सेप्ट ही होता है। क्रेडिट मींस उधार, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज इंडिविजुअल उनको और अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोबारा कैश परचेज के हेडिंग में एक छोटी सी एग्जांपल बना लेना। इट्स इन बिजनेस परचेज goods of rupees 1 lakh in cash business purchased goods of rupees 1 lakh in cash it plus pehle use kiya goods in goods ka meaning bhi likhna hai goods kaise karte hain चीजें हैं लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स मींस ला लिखे गुड्स मींस आइटम्स परचेज फॉर सेल। ऐसी चीजें जो आपने बिजनेस में इस इंटेंशन से खरीदी हैं कि आप बाद में उन्हें बेच देंगे, बेच के पैसे कमा लेंगे, उन चीजों को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। मतलब ये जो गुड्स का वर्ड है हर चीज के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी मैं कभी गुड्स का वर्ड लिखूं तो आपके जहन में क्या आएगा कि मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जिन्हें किस लिए खरीदा, बेचने के लिए खरीदा। असल में अगर कल वाली एग्जाम्पल दोबारा देख लें, पॉइंट दोबारा देख लें। खरीदी वाली हमने शॉप भी थी, हमने शॉप भी खरीदी, फर्नीचर भी खरीदा, जनरेटर भी खरीदा, फिर हमने मोबाइल भी खरीदे, तो क्या सब कुछ गुड्स है? अगर हमारा फर्नीचर बिजनेस होता फर्नीचर बेचने का तो फिर फर्नीचर गुड्स है। अगर कोई गाड़ियों का शोरूम होता गाड़ियां गुड्स होती, तो हमारे इस बिजनेस में गुड्स क्या थी? मोबाइल हमारे गुड्स थे, ठीक है। तो गुड्स का जो वर्ड है किसके लिए यूज होता है? ऐसी चीजों के लिए जो हमने खरीदी है बेचने के। डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस डिफरेंट आइटम्स, फर्नीचर भी गुड्स हो सकते हैं, कार्स भी गुड्स हो सकते हैं, एयर कंडीशनर भी गुड्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी इस एग्जाम्पल में मोबाइल्स को हमने खरीदा था बेचने के लिए, इसलिए मोबाइल्स वाज द गुड्स अमाउंट इन दैट एग्जाम्पल। ओके प्लीज आ जाए वापस। अब याद रहे गुड्स क्या है? क्या दोबारा बता दो। अभी हमने करने से अगर ये है कि मैंने आपके सामने एक ट्रांजेक्शन लिखी है, इस ट्रांजेक्शन का बिजनेस पे इम्पैक्ट जरा सोचना। मीन्स उसे क्या बिजनेस इस ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कैश वाला एसेट कम हो जाएगा और उसकी जगह गुड्स वाला एसेट बढ़ जाएगा? क्या गुड्स एसेट है? कब तक एसेट है? तो बेच नहीं लेंगे जब तक बेच के फायदा नहीं लेंगे। तो हमारी इस ट्रांजेक्शन से गुड्स वाला एसेट बढ़ गया है और कैश वाला एसेट कम हो गया। तब इसको लिखना कैसे है? पहले कहीं नजर देख लीजिएगा फिर लिखिएगा। गुड्स वाला एसेट बढ़ गया है, एरो से मिला दे, और कौन सा एसेट कम हो गया? कैश वाला। लेकिन एक काम कर लिया और आपने करना है, बोर्ड को देखें। जब भी कभी गुड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हम अकाउंटेंट्स परचेजेस के नाम से हेड बना लेंगे।
परेशान नहीं होगा, मेरी बात पूरी हो लेने दो। मैं कभी आपके सामने अगर लेस बोलूं परचेजेस तो व्हाट डज इट आई मीन कि मैं गुड्स की परचेज की बात कर रहा हूं। तो फिलहाल तो मैं ब्रैकेट में गुड्स लिख रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी कभी गुड्स में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा मैं गुड्स की बजाय क्या वर्ड लिखूंगा और आप क्या उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं गुड्स की परचेज की बात कर रहा हूँ। क्लियर है प्लीज? तो क्या बढ़ा? गुड्स की परचेज बढ़ गई, दोनों वर्ड लगा लेते हैं। गुड्स की परचेज इंक्रीज हो गई और कैश डिक्रीज हो गया। कितने से परचेज इंक्रीज हो गई? 1 लाख रुपीज से गुड्स बढ़ गई और 1 लाख रुपीज से हमारा कैश और एसेट कम हो गया। बस इससे आपने लिखना, देखें तो मैं अभी आपके सामने डिफरेंट ट्रांजेक्शन लिखूंगा, उसमें हमें क्या करना है उसके हेड ढूंढने के किस किस हेड में चेंज आ रहा है और चेंज मींस इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। तो अगर कभी भी आप कैश परचेज करेंगे, गुड्स की कैश परचेज करेंगे तो काइंडली जरा रिपीट कर लें बोल के, क्या बढ़ जाएगा क्या कम हो जाएगा? परचेजेस बढ़ जाएंगी, कैश कम हो जाएगा। सेकेंड लिखें क्रेडिट परचेज, इसके एक एग्जांपल बना लें। ऑन 1st मार्च सपोज 2022 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 वर परचेज्ड on credit from Zeeshan on 1st March 2022 goods costing rupees 50,000 were purchased on credit from Zeeshan। ek line aur likha tha, it is agreed that payment will be made March 10, 2022 बिफोर एनीथिंग पहले इसकी जरा ट्रांसलेशन करके समझ लें सर। फर्स्ट मार्च 2022 को क्या हुआ? क्या गुड्स हमने खरीदनी? लेकिन पैसे कब देने? तो बेटा कैश परचेज में क्या होता है, जिससे अगर आप चीजें खरीद रहे होते हैं साथ ही पैसे दे देते हैं, और अगर क्रेडिट परचेज है तो चीजें पहले आप खरीद लेंगे और पैसे आपको बाद में देने होंगे। ऐसे ही सर, अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स 1st मार्च को गुड्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कैश कब जाएगा? 10 मार्च को इंशाल्लाह जाएगा। तो अब इसे डेट वाइज हमेशा डिस्कस करना है आपने। तो पहले इसी एग्जाम्पल के नीचे आप 1st मार्च 2022 की डेट लिखें और सोचते हैं कि उस दिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस चीज में इंक्रीज या डिक्रीज आया है। बस डेट लिख के रुक जाएगा। एग्जाम्पल क्लियर, ये समझ आ रही क्या बात हो रही है? चीजें पहले आ रही और पैसे 10 दिन बाद तकरीबन जाने, ठीक है? तो ऐसी परचेज क्या कहलाएगी? एक क्रेडिट पे परचेज। तो 1st मार्च के अंदर सोचे 1st मार्च पे क्या होगा, क्या गुड्स बढ़ जाएंगे सर और कैश कम हो जाएगा? अब कैश तो कम होने 10th को जाकर, तो क्या 1st मार्च को चीजें ले लेने से
और पैसे ना देने से कोई हमारी जीशान की तरफ लाइबिलिटी तो नहीं बन जाएगी? सेंटेंस आखिरी वाला अगर रिपीट करें, हमारी किसकी तरफ? हमारी जीशान की तरफ क्यों लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? चीजें लेनी है और पैसे ना देने की वजह से हमारी फर्स्ट मार्च को लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये लाइबिलिटी बेटा कब तक इंक्रीज होगी? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल मार्च को जब पैसे दे देंगे फिर क्या होगा? फिर लाइबिलिटी डिक्रीज। चलिए प्लीज अलग अलग आराम से चलो वो बाद में बात करते हैं, पहले फर्स्ट मार्च फाइनल करें। परचेज इंक्रीज हो रहे लिखे 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 परचेज इंक्रीज से क्या मतलब हुआ? गुड्स में इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल कितने रुपए की गुड्स में इंक्रीज हो रहा है? 50,000। देन आगे सर पैसे इसने ना देने की वजह से अब कैश अभी कम नहीं होगा, कैश ना देने की वजह से हमारी लायबिलिटी में इंक्रीज आएगा। लेकिन कभी मेरा थोड़ा सा मैंने बातें और बीच में बतानी है तो अभी आपने बोर्ड पे देखना, अभी लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने चीजें खरीदनी हो और पैसे ना दी हो, तो पैसे ना दिए हो तो जिस पर्सन को आपने फ्यूचर में पैसे देने हो उस पर्सन की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जिस पर्सन को फ्यूचर में गुड्स के अगेंस्ट पैसे देने होते हैं उसे अकाउंटिंग में एक नाम दिया जाता है, क्रेडिटर बोला जाता है। असल में जरा डेफिनेशन देने दोबारा लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी एक मेन हेड है, मेन हेड है। एक लोन फ्रॉम बैंक की भी लाइब्रेरी है और इसी तरह गुड्स के अगेंस्ट पैसे भी देना एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी के मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरी के मतलब है? ओवरऑल एक वर्ड है, जैसे इनकम एक वर्ड है। इनकम की कोई एग्जांपल्स भी है? सर जी ऐसा है, एसेट भी एक मेन वर्ड है, बहुत से डिफरेंट एसेट्स हैं। तो लाइब्रेरी एक मेन वर्ड है। पहली एग्जांपल कौन सी आपने वहां लिखी हुई? लोन फ्रॉम बैंक। और इसी तरह अगर किसी पर्सन को आपने गुड्स के अगेंस्ट पैसे देने हो तो उस पर्सन की तरफ जो लाइब्रेरी बन जाती है उसको बोला जाता है क्रेडिटर की तरफ लाइब्रेरी। तो ये जो मैंने वर्ड कहा है बोला भी मैं एक मिनट लिख कर बताता हूँ। पर्सन या आप भी जरा लिखा ऐसे परेशान होंगे, आए वापस रख एक लाइन वाले से छोड़ दे जहां आपने परचेजेस लिखा है। द पर्सन तो होम पेमेंट इज टू बी मेड The person to whom payment is to be made against purchase of goods or any other asset is called as, उस person को accounting में बोला जाता है जिसको पैसे आपने परचेज ऑफ गुड्स या किसी एसेट के अगेंस्ट देने हो क्रेडिटर। एक लफ्ज मैंने लिखा था क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स क्या है? और क्रेडिटर किसे बोल रहा हूं? जैसे उधार पे चीजें दी जिसको फ्यूचर में पैसे भी देने हो तो क्रेडिटर किस चीज की एग्जांपल है? लायबिलिटी, मतलब इसका मेन हेड क्या है? तो नेक्स्ट एक और लाइन लिखें, क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ, क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। इसका कैश इज एन एग्जांपल ऑफ, बैंक बैलेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, नहीं बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, सेल इज एन एग्जांपल ऑफ सेल 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 इनकम, क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। अगर कभी भी आपके सामने वर्ड क्रेडिटर आए तो इसका मीनिंग क्या होगा? कि किसी को पैसे देने हैं, देयरफॉर वो हमारी लायबिलिटी। तो जीशान की तरफ आया, तो जीशान रोल अपनी इस एग्जांपल में हमने चीजें किससे खरीदी है?
तो जिशान हमारे लिए क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर जिशान हो गया। क्रेडिटर जिशान से मीन्स कि जिशान को पैसे देने हैं, क्या चीजें खरीद लेने से और जिशान को पैसे ना देने से हमारी क्रेडिटर जिशान की तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है। तो मेन वो लायबिलिटी है, लेकिन उसकी एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट में एक एग्जांपल आ रही है क्रेडिटर जिशान। तो मीन्स उसे सिंपली ऊपर सेकंड लाइन में थोड़ी सी हमने स्पेस परचेजेस एक इंक्रीज के साथ साथ क्रेडिटर जिशान वाली लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्रेडिटर डैश को मैंने लगाया, माइनस नहीं कर रहा, मीन्स उसे अगर कोई क्रेडिटर असर भी होता तो क्या आपको अलग अलग पर्सन का पता होना चाहिए किस किस को कितने पैसे देने हैं? क्या लोगों को ये याद रहना चाहिए कि आपको किस किस के देने हैं? क्या लोगों को याद रखना चाहिए अगर आपको उन्होंने पैसे देने हैं? सर ये अगर लोगों ने पैसे आपको देने हैं उन्हें याद रखना चाहिए सर, और हमें क्या याद रखना चाहिए कि हमने किस किस को देने हैं? तो निशान को कितने देने अलग पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल असद को जो देने हैं, अली को जो देने हैं। तो मीन्स उसे क्रेडिटर के साथ जो नाम लिखा है इसका सिग्निफिकेंस है कि किस किस को कितने कितने पैसे। ये माइनस साइन है, मुझे बार बार खतरा महसूस हो रहा है, मैं थोड़ा बैटरी लगा लेता। क्रेडिटर निशान, बात प्लीज समझ आ रही है? मैं अकेले लगाऊ, बताए मेरे एरर्स का क्या मीनिंग है? इंक्रीज तो ठीक है, क्रेडिट पे चीजें लेने से क्या क्या बढ़ा? चीजें आ जाने से परचेजेस बढ़ जाएंगी, और पैसे ना देने से क्रेडिट और निशान की तरफ हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाए। ये पूरा सेंटेंस कोई जिसमें मैंने बोला परचेज से लेकर निशान तक, आई रिपीट कर रहा हूं, चीजें खरीद लेने से परचेजेस इंक्रीज हो गए, लेकिन फिलहाल पैसे ना देने की वजह से क्रेडिट और निशान की तरफ लायबिलिटी भी इंक्रीज हो। इसको कहीं अगर लिंक करें तो रजिस्टर में ये जो कैश परचेज हो रही थी, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में जो हेड्स बने और एरर्स लगे हैं उनमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करें। अपने रजिस्टर में देखें जरा, कैश परचेज दोनों में कॉमन क्या है? गुड्स आ रही है, एयरपोर्ट परचेजेस इंक्रीज हो रही है, डिसिमिलरिटी क्या है? पैसे दे देने से, साथ ही पैसे दे देने से कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी, कैश ही कम हो गया, पैसे भी कम हो गए। लेकिन इधर क्या हुआ? पैसे ना देने से कैश तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर लायबिलिटी बढ़ गई। जाने सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? मेरे से वाइंड अप कर 10th मार्च लिखे। टेंथ मार्च सेम एग्जांपल, क्या चीजें बेटा दोबारा आएंगी? चीजें तो आ गई हैं, अब क्या होगा? पहले सुनना है सोचना है, सारे मेरे बेटे गौर से सुनना है। इस दिन अब कैश हमारा बढ़ेगा या कम होगा? फिर से हम सारा अगर दे देंगे तो 50,000 से कम हो जाएगा। इन पैसों के जाने से किसी और चीज पे इफेक्ट आए, क्रेडिटर जिशान वाली लाइबिलिटी ही कम हो जाएगी। तो साइमल्टेनियसली क्या क्या कम होगा? कैश वाला एसेट भी कम होगा, कैश वाला एसेट भी कम होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिटर जिशान वाली लाइबिलिटी ही कम होगा। देखें दोस्तों, अरे ये जो मैंने एरोस लगा रहा हूँ, अगर इनके हेड्स ऊपर नीचे हो ये इशू नहीं है, लेकिन एरोस की डायरेक्शन और जो हेड्स के मैं नाम बना रहा हूँ वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर कैश आपने ऊपर लिख के डिक्रीजिंग एरो लगा दिया और क्रेडिटर बाद में लिखने, वो इशू नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? मैं भी चले नीचे लिख देता हूँ, और अगर किसी ने ऊपर लिख लिया तो काइंडली वो कोई साइंस नहीं।
कैश इंक्रीज या डिक्रीज, और क्रेडिटर जीशान की तरफ भी हमारी लायबिलिटी जो थी वो डिक्रीज होके कितनी रह जाएगी? अगर सारे पैसे दे देंगे तो कितने सेल लायबिलिटी कम होके कितनी रह जाएगी? 50,000 सेल लायबिलिटी कम होके जीरो रह जाएगी। लेट्स सी, मैंने 40 दिया होगा तो 40,000 सेल लायबिलिटी कम होके 10,000 रह जाएंगे, लेकिन अगर सारे पैसे दे दिए तो 50,000 से लायबिलिटी कम होके आप जीरो लायबिलिटी रह जाएंगे। सब बजट से क्लियर है मेरे? एक नजर रिवाइज करके नजर आए सारे खामोशी से, कंप्लीट साइलेंस। बेटा कर ली प्लीज, वर्ड्स वही लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो इंटरचेंजेबली वर्ड्स लिख लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन काइंडली सो दैट प्लीज इस चक्कर में ना पड़े, अगर वो लिख लें ये लिख लें, काइंडली प्लीज जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अगर वो क्लियर हो रहे हैं तो बेटा वही लिख लें, अगर इन वर्ड्स में कंफ्यूजन है तो वो मैं बता देता हूँ। अगर क्रेडिट पे गुड्स लेंगे तो क्या क्या बढ़ जाएगा? गुड्स भी बढ़ जाएंगी और पैसे ना देने से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जिस पर्सन का पैसे देने होंगे उसका नाम, तो जो भी उसका नाम सॉरी होगा कंपनी में क्रेडिटर कहलाएगा। जब उस क्रेडिटर को पैसे दे देंगे तब क्या होगा? कैश भी कम होगा और लाइब्रेरी भी कम होगी। अगर कैश परचेज हो जाए तो फिर क्या होगा? परचेजेस में इंक्रीज हो जाएगा, परचेजेस में इंक्रीज आ जाएगा और कैश में डिक्रीज आ जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अगली हेडिंग लेते हैं। फैक्टरिंग है, ट्रेड ट्रांजैक्शंस, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारी तरफ आया। नहीं मेरी आइडिया है जब आप थक जाएंगे, असल में ये सवाल जो मैंने अभी किया अगर मैं क्लास में आते ही करता कि क्या आप थक तो नहीं गए, तो उसका जवाब उस वक्त भी यस हो सकता था, तो मतलब लेकिन मेरा ख्याल है वाकई हम थक गए। चलो याद है कि वाइस करिएगा, बाकी फिर कल करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम कहाँ तक जाना है? अब 5 तक नहीं जाना, अब 55 मिनट्स कल थे और आज 25 और हो गए, तो फिलहाल अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता पढ़ना चाह रही है लेकिन मैं थक गया, रिवाइज रखना सभी पढ़ा करें दोबारा देखा जाए।
सर अगर फर्ज करें अभी सैलरी नहीं दे तो क्या उस अमाउंट का फायदा ले लिए सैलरी मुझे बता दो ये नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हाँ पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी दी एक्सपेंस कब हो जाएगा फायदा लेंगे और अगर उसी को पैसे दे देंगे फिर एक्सपेंस हो जाएगा लेकिन लाइबिलिटी नहीं है लेकिन अगर पैसे भी नहीं दिए तो एक्सपेंस के साथ साथ लाइबिलिटी भी होगी ओके Thank you.